नमस्कार। हरियाणा का रण दरअसल सज गया है और कुरुक्षेत्र 2019 जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से प्रचार कर जीतना चाह रही है, लेकिन आप हैरान होंगे, दरअसल इस बार एक नई पार्टी इस चुनावी रण में उतर पड़ी है। दरअसल वो मानती है कि 90 की 90 सीटों पर उनको अपने उम्मीदवार उतारने हैं और वो जीत दर्ज करने। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी आपको बोर्ड बैनर दिखाएंगे। दरअसल आप ध्यान से देखें तो जय महाभारत पार्टी, यानी भारत में प्रगति और उन्नति और साथ ही नई विचारधारा के साथ उतरी ये पार्टी, जो आप अगर चुनाव निशान के रूप में देखें तो चक्र आपको दिख रहा होगा। लेकिन हैरान होंगे कि आंध्र प्रदेश से आए, महाराष्ट्र से आए जो हमारे साथ खड़े हैं, वो दरअसल इस पार्टी के फाउंडर हैं। उनका नाम है भगवान श्री अनंत विष्णु देवा प्रभु। प्रभु जी, आप तो कुरुक्षेत्र के रणभूमि में उतर आए, क्या लगा कि ये ज्यादा सुदृढ़ है, ज्यादा सहज है, ज्यादा आसान है यहाँ तो चुनाव लड़ना? अगर भारत का न्याय करना, हरियाणा का न्याय करना, तो ये हरियाणा धरती पे से ही करना होगा। देश का वो इतिहास भी कहते हैं, अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से हम इतिहास अभी नहीं बता सकते। और एक बात है, मेरा नाम भगवान श्री अनंत विष्णुदेव प्रभु है, जय महाभारत पार्टी का संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जय महाभारत पार्टी अखंड भारत में कांग्रेस और बीजेपी के लिए विकल्प है। ये देश में 2014 में कई लोकसभा चुनाव कई राज्यों में लड़ चुका है, 2019 में भी कई राज्यों में लोकसभा चुनाव लड़ चुका है और प्रस्तुत आज हरियाणा में पूरा 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव लड़ने जा रहा है। उसके साथ साथ पंजाब में 2 इलेक्शन में भी चुनाव लड़ने जा रहा है। ये हरियाणा में पूरा जय महाभारत पार्टी का एजेंडा ये होगा, पूरा हरियाणा में जितना भी प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस हम बैन करने का और उसके जगह पे बड़ा बड़ा कॉलेजेस स्कूल्स बना के पूरा सरकार टेक ओवर करके फ्री एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। हरियाणा में सिर्फ आपका बच्चा को घर से भेज दो, पेन पेंसिल किताब जाए जितने तक पढ़ो, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, वो हमारे एजेंडा में है। ये कहने का मतलब है मुफ्त एजुकेशन। और उसी हिसाब से ही जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को टेक ओवर करना और पूरा प्राइवेट हॉस्पिटल सिस्टम्स को बैन करके सरकार के द्वारा हर मोहल्ला में हर डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हॉस्पिटल्स बना के फ्री ट्रीटमेंट सुविधा देने का जय महाभारत पार्टी का एजेंडा है। चुनाव किस पार्टी के साथ आप फाइट करना चाहते हैं अगले इलेक्शन? नहीं, जय महाभारत पार्टी का एजेंडा हम जनता को पहुंचना चाहता। पहले जो जनता का राय क्या है, उनको अच्छा लगे हमें समर्थन करेगा। हम कांग्रेस बीजेपी के लिए जीवन में कभी गठबंधन नहीं होगा, हमारा मेन विरोधी कांग्रेस और बीजेपी होगा और जितना भी लाइक माइंडेड लोगों के लिए हमारा साथ मिलने के उनके साथ हम मिलने के लिए कोई एतराज नहीं है। तो सुना आपने कि दरअसल नई पार्टी जो उतरी है इस बार चुनावी मैदान में वो रणभेरी बजा चुकी है और कह रही है कि 90-90 सीटों पर लड़ेगी। आखिर भगवान रूपी प्रभु रूपी जो उन्होंने अपना आपको अवतरण किया है, वो कितना चुनावी रण में निखर पाएंगे और इस सफर को कितना आगे तक तय कर पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सियाराम के साथ कुमार रमेश, R9 TV, चंडीगढ़।